नमस्कार दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन 33 ग्रेड सीमेंट 43 ग्रेड सीमेंट एंड 53 ग्रेड सीमेंट ओ सीमेंट जिसे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं वह तीन ग्रेड में आता है पहला 33 ग्रेड सीमेंट दूसरा 43 ग्रेड सीमेंट एंड तीसरा 33 ग्रेड सीमेंट ये जो ग्रेड है इनका वर्गीकरण इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एम में व्यक्त करते हैं जिसका मतलब होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सूत्र होता है लोड अपॉन यूनिट एरिया लोड को न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और एरिया को एम एम स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका क्यूब बनाना पड़ता है जो कि सीमेंट सैंड एंड वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है और उसके बाद इसे थ्री डेज सेवन डेज एंड ट्वेंटी एट डेज पर लैब में सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड पर टेस्ट किया जाता है सीमेंट ग्रेड इंडिकेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट आफ्टर ट्वेंटी एट डेज ऑफ सेटिंग यानी कि जो ये थर्टी थ्री ग्रेड है फोर्टी थ्री ग्रेड है एंड फिफ्टी थ्री ग्रेड है यह इंडिकेट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ सेटिंग यानी कि 28 दिनों के बाद सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है अब हम 33 ग्रेड 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड के डिफरेंसेस को जान लेते हैं इसमें कौन सा आई एस कोड यूज होता है इसकी थ्री डेज सेवन डेज और ट्वेंटी एट डेज की क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है इनिशियल स्ट्रेंथ क्या रहती है हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या रहती है तो चलिए जान लेते हैं तो मैं सबसे पहले पॉइंट लिख लेता हूँ थर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट में जो आई एस कोड यूज किया जाता है वही यूज किया जाता है आई एस टू सिक्स नाइन फोर्टी थ्री ग्रेड में आई एस एट वन वन टू एंड फिफ्टी थ्री ग्रेड में आई एस वन टू टू सिक्स नाइन यूज किया जाता है अब हम देख लेते हैं कि इन अलग अलग सीमेंट ग्रेड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग दिनों में कितना होता है तो थ्री डेज में थर्टी थ्री ग्रेड का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वह होगा सोलह न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सेवन डेज में यही बढ़कर बाईस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा और ट्वेंटी एट डेज में थर्टी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा अब हम देख लेते हैं फोर्टी थ्री ग्रेड ऑफ सीमेंट की इसका थ्री डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तेईस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सेवन डेज में थर्टी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और ट्वेंटी एट डेज में फोर्टी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसके बाद आते हैं फिफ्टी थ्री ग्रेड सीमेंट में कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग दिनों में कितना होता है तो इसका थ्री डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ट्वेंटी सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सेवन डेज में थर्टी सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड ट्वेंटी एट डेज़ में फिफ्टी थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर थर्टी थ्री ग्रेड ऑफ सीमेंट का इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वह लगातार अट्ठाईस दिनों तक गेन करता रहता है इसी तरीके से फोर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट है वह भी लगातार अट्ठाईस दिनों तक स्ट्रेंथ गेन करता रहता है जबकि 53 ग्रेड सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है यानि कि यह या सबसे जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है अब देख लेते हैं इन अलग अलग ग्रेड सीमेंटों का हीट ऑफ हाइड्रेशन तो 33 ग्रेड सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वह होता है लोअर यानी कि सबसे कम 33 ग्रेड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसके बाद 43 ग्रेड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन मीडियम होता है और सबसे ज़्यादा और तेज 53 ग्रेड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है अब हम जान लेते हैं इन अलग अलग सीमेंट ग्रेडों का प्राइस कितना होता है जो 33 ग्रेड सीमेंट होता है उसका प्राइस चीपर देन 43 ग्रेड सीमेंट यानि कि जो 33 ग्रेड सीमेंट होता है उसका प्राइस कम होता है 43 ग्रेड सीमेंट से और 43 ग्रेड सीमेंट का प्राइस चीपर होता है 53 ग्रेड सीमेंट से यानी कि जो 43 ग्रेड सीमेंट है वो सस्ता होगा 53 ग्रेड सीमेंट के और जो 53 ग्रेड सीमेंट होता है इसका प्राइस इन दोनों से ही ज़्यादा होता है अब बात कर लेते हैं इन तीनों ग्रेड सीमेंट का यूज कहाँ होता है जो 33 ग्रेड सीमेंट है इसका यूज बहुत ही कम होता है और वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर एम ट्वेंटी ग्रेड से कम का कंक्रीट यूज में लिया जाना है फोर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट का यूज पी सी वर्क्स में किया जाता है यह एम थर्टी ग्रेड तक यूज किया जाता है इसके अलावा फोर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट का यूज प्लास्टर टाइलिंग, ब्रिक वर्क फ्लोरिंग पाथवेज फिनिशिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स ब्रिज कलब्रड रोड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर आदि में भी किया जाता है अब देख लेते हैं 53 ग्रेड सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है इसका जो यूज है वह ऑल आरसीसी स्ट्रक्चर, लाइक फुटिंग कॉलम बीम स्लैब सभी में यूज किया जाता है इसके अलावा आर वर्क जहाँ पर एम ग्रेड से ऊपर का कॉन्क्रीट यूज हो रहा हो हाई राइज बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल वर्क में प्रीकास्ट कॉन्क्रीट आइटम सच एस पेबिंग ब्लॉक्स रेलवे स्लीपर्स प्री एस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट वर्कस एंड सीमेंट ग्राउट्स में फिफ्टी थ्री ग्रेड सीमेंट का यूज किया जाता है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें